सो कल हमने रिसर्च के जो इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च वो हमने डिस्कस कर लिया था, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वो हमने डिस्कस की। सो अब हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं। एजुकेशनल रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस फैक्ट्स। डिफरेंट फैक्ट्स हैं, उनमें जो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या है, किस हद तक वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उनकी, जो रिलेशनशिप हम तभी देखते हैं ना जब कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, उसका इंटर रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। तो इट रिक्वायर्स एन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, उसके लिए हमें एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल रिसर्च यूजली एम्प्लॉयज मैथड ऑफ डिस्क्रिप्शन। क्या होता है कि जो हमारी एजुकेशन रिसर्च है उनमें समटाइम हम डिस्क्रिप्टिव मैथड यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सिंपैथेटिक ऑफ इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग मेथड विच आर मेनली स्पेकुलेटिव एंड डिडक्टिव इन कल्चर विच रेयरली फर्निश रिजल्ट्स दैट कैन बी सब्जेक्टिव सब्जेक्टेड टू मेजरमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। मीन्स कि हम स्पेकुलेटिव मतलब कि फ्यूचर के हवाले से कुछ स्पेकुलेशंस अपनी एजम्पशंस बना रहे होते हैं। डिडक्टिव का मतलब है कि पहले थ्योरी आपके पास होती है, उस थ्योरी की मदद से आप नेक्स्ट फर्दर उसमें उस थ्योरी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि इस टाइप के जो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स वो चल रहे होते हैं। अब आप देखें कि एजुकेशन रिसर्च वुड कम आउट ऑफ अ डिज़ायर टू डू थिंग बेटर, कि वो इस तरह से होती है कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में करना होता है। इट शुड हेल्प देम टू नैरो डाउन द प्रोवर्बियल गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कि कहीं पे कुछ थ्योरीज मौजूद होती हैं लेकिन उसकी जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है वो सामने नहीं होती, वो देखना होता है कि इसमें एक्चुअल गैप क्या है। सो एजुकेशनल रिसर्च इज़ नॉट एज एग्जैक्ट एज रिसर्च इन फिजिकल साइंस। अब जो एजुकेशनल रिसर्च है ना वो एज इट इज़ वैसी नहीं होती जो फिजिकल साइंस में रिसर्च की जाती है। सो नो ह्यूमन बींग हैव एवर बीन फाउंड टू बी अलाइक, कभी कोई ह्यूमन बींग ऐसा नहीं होता। सो नो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इवन दोज ऑफ सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स, कि कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन बिहेवियर की नहीं हुई। सो इसलिए हैव रिजल्टेड इन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स कम्प्लीटली सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर। अब ये देखना कि जो फिजिकल साइंसेस में रिसर्चेज होती हैं, एजुकेशनल रिसर्च वैसी नहीं होती, ठीक है। आप देखो कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो एक जैसे बच्चे होते हैं, उनके बारे में अगर वो बिहेवियर को चेक करना चाहें तो उसके हवाले से कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से, लेकिन अगर हुई भी है ना तो वो बहुत सो कॉल्ड है, बहुत कम है। तो आप देखो कि यहाँ पे दिस फैक्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ मेकिंग एजुकेशनल रिसर्च एग्जैक्ट साइंस। अब यहाँ पे ये फैक्ट जो पाया जाता है कि हम इसको बिल्कुल भी समझ रहे होते हैं कि ये ना एग्जैक्ट साइंस के उसमें लेते हैं, फिजिकल साइंस के हवाले से हम इसको जो एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च शुड बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल। ये किसके साथ लिंक करती है, ये किसी के बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर के साथ ज़रूर लिंक करेगी, लेकिन जो है ना बाकी जैसे स्कूल में जो भी स्कूल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे रेलेवेंट जितने प्रॉब्लम हैं उन प्रॉब्लम्स के हवाले से जो भी इशू होगा उन चीज़ों के वजह जो रिसर्च की जाएगी वो एजुकेशन रिसर्च होती है। इट कैन प्रॉपरली कंसर्न इट सेल्फ रिसर्च मैटर्स एच चाइल्ड डिवेलपमेंट। अब इसमें इसका क्या किस कहाँ पर बच्चों की डिवेलपमेंट के हवाले से भी हम इसको ले सकते हैं, क्लास ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी ले सकते हैं, टीचर प्यूपल रिलेशनशिप्स के हवाले से भी ले सकते हैं, इंटरेक्शन विद कम्युनिटी उसके हवाले से भी ले सकते हैं कि बच्चों का स्टूडेंट्स का कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कैसे है, करिकुलम मैटर्स के साथ ले सकते हैं, टीचिंग टेक्निक्स को देख सकते हैं और मैनी अदर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना कि आपके एजुकेशन रिसर्च में आप इन इन एस्पेक्ट्स को देख के स्टडी कर सकते हैं। अब एजुकेशन रिसर्च लीड्स टू फॉलोइंग एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं इसके एजुकेशनल रिसर्च के। अच्छा जी, एजुकेशनल रिसर्च के और एडवांटेजेस जो हैं वो एजुकेशन रिसर्च इकोनॉमीज एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी जो एफर्ट है उसको सेटल करती है। इकोनॉमी क्या होती है कि इकोनॉमी ये होती है कि हमारी जो मईशत होती है
और हमारा जो मतलब जिस अब क्या है कि हमारी एफर्ट कोशिश जो हो रही होती है एजुकेशनल उसमें फील्ड में उसको वो सेटल करती है कि हम जिस काम के लिए जिस अपने गोल के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो किस हद तक अचीव हो रही हैं, और अगर अचीव नहीं हो रही तो रीज़न क्या है, ये हमें फ़ायदा मिलता है। और फिर हम उस रीज़न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और करने के बाद उन्हें रिजॉल्व भी करते हैं, जिस तरह से फिर एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कॉन्फिडेंट लेके आती है टीचर में। आप रिसर्च करें आपको मुख्य प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा बींग अ टीचर, और जब आप कर लेते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है कि आप यू हैव बिकम कॉन्फिडेंट। सो ब्रिंग डिग्निटी टू द वर्क ऑफ द टीचर, बच्चों के जो टीचर है उसके काम में डिग्निटी आ जाती है, वकार से वो काम करता है अपने, मीन्स कि जब वो रिसर्च कर लेता है ना तो नॉलेज उसका बहुत हाई हो जाता है, उसको बहुत से प्रॉब्लम्स की वजूहत पता भी चल जाती हैं कि किस वजह से ये मसला हल हो रहा है और इसको सॉल्व कैसे करना है। लीड्स टू अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स, और रिसर्च के बेस पे ही हम न्यू मेथड जो अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ब्रिंग सेंस ऑफ अवेयरनेस, अवेयर रहते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी जो कंट्रीज़ हैं या एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह से वो हो रहा है। सो आप ये देखें कि इनेबल्स टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ, सोशल लाइफ बेहतर हो जाती है, ब्रिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है, प्रमोट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स मतलब जो असलाहत होती हैं कि हम किसी चीज़ को जो बेहतरी की तरफ लेके आते हैं उसको प्रमोशन मिलती है, वो प्रमोट होती है कि हाँ वाकई में इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, इसमें बेहतरी लानी चाहिए। ठीक है जी, ये थी हमारी कि किस तरह से इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। अब आप एजुकेशनल रिसर्च का प्रोसेस देखें, हमने एक मैंने लेक्चर में बताया था कि एजुकेशनल रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस है और ये साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब है कि इट रिवॉल्व्स, नेवर स्टॉप्स, कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक हो गया। अभी देखो आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है कि हम अगर उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो वो अगर इसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हमने लिया या रिव्यू द अवेलेबल लिटरेचर, जो आपके पास अवेलेबल लिटरेचर है जो पहले से स्टडीज़ हुई हुई हैं, आपने उसको सर्च किया, वहाँ से कोई क्वेश्चन माइंड में आया और वो क्वेश्चन आपने फॉर्मुलेट कर लिया कि वो ये बात है, इसको कैसे मैं इसका रीज़न या इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करूँ। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने प्रॉपर एक मैथडोलॉजी अडॉप्ट की कि आप इसके लिए क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। अब जब आपने वो सोच लिया, सोचने के बाद आपने उससे रेलेवेंट डाटा ले लिया, मीन्स कि जिन जिन लोगों से आप चाह रहे थे कि हम मैं वो लूँगा डाटा लूँ, तो फिर उनसे आप इंटरव्यूज़ किए, वो सब कुछ। उसके बाद है इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, आपने जब रिजल्ट ले लिए, कलेक्ट कर ली इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने उसको इंटरप्रेट किया, वजाहत की उसकी, जब आपने अपनी तमाम रिजल्ट्स की वजाहत कर दी तो उसके बाद आपने अपनी वजाहत जो अपनी फाइंडिंग्स थी जो रिजल्ट्स थे उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश मतलब पब्लिक के लिए उसे ओपन कर दिया कि लोग भी पढ़ें वो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या चीज़ जो इस पर आपने जो क्वेश्चन था उसके हवाले से। अब दोबारा से क्या हो गया कि जो फाइंडिंग्स थी ना जब आपने पब्लिश कर दी, उस हवाले से जितना लिटरेचर अवेलेबल था अगर कोई मज़ीद रिसर्च करना चाहे तो वो दोबारा से किस पे चला जाएगा, लिटरेचर पे, और उस पे सर्च करने के बाद एक न्यू क्वेश्चन माइंड में आ जाता है। सो इस तरह से जो रिसर्च का प्रोसेस है ना ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये इसी तरह से ये रिवॉल्व करता रहता है। रिसर्च डिज़ाइन कॉन्टिनम, रिसर्च डिज़ाइन को हम देखें दो तरह से ले रहे हैं हम, रिसर्च डिज़ाइन में थ्री कैटेगरीज में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। एक तो एनालिटिकल रिसर्च है जिसमें एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये एक सिंपल फॉर्म है, क्वांटिटेटिव, बेसिकली क्वांटिटेटिव होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये इनकी फर्दर इनके डिज़ाइन हैं साथ साथ ना, कौन कौन से डिज़ाइन हैं इनके। जो एनालिटिकल रिसर्च होती है उसमें रिव्यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं या थीसिस हैं उनका रिव्यू किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। फिलोसफिकल होती है,
मीन्स के अजम्पशंस हैं, एंड उनके व्यूज़ हैं उस हवाले से, हिस्टोरिकल भी हो सकती है, मेटा एनालिसिस इसमें किया जाता है। मतलब मेटा एनालिसिस बहुत से जो एनालिसिस पहले से हुए हुए होते हैं ना, उनको रिव्यू करने के बाद आप अपनी एक जजमेंट देते हैं कि हाँ इस चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ लैकिंग है, यहाँ पे ठीक होना चाहिए था। उसके बाद जी डिस्क्रिप्टिव आपकी जो रिसर्च है वो दो तरह की होगी, लाइक केस स्टडी भी हो सकती है और सर्वे भी हो सकती है। सर्वे में आगे तीन डिज़ाइन आते हैं, वो कौन कौन से हैं? क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड कोरिलेशनल। क्रॉस सेक्शनल मतलब कि आप किसी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने रिसर्च कर ली, सर्वे कर लिया। लॉन्गिट्यूडनल में होता है कि सेम पॉपुलेशन होती है आपकी, सेम आपका सैंपल होता है, लेकिन आप एक लंबे अरसे तक, मतलब 5-6 महीने साल तक आप उस चीज़ को जब सर्वे कर रहे हैं कि एक साल 5-6-3 महीने बाद सर्वे किया तो कुछ रिजल्ट आए, फिर उसके बाद वही उन्हीं लोगों से आपने 6 माह के बाद सर्वे किया, तो ये चीज़ें जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल में आती है, जो लंबे अरसे तक चलती हैं। कोरिलेशनल क्या होती है कि उसमें दो चीज़ों का रिलेशन, दो जो वेरिएबल्स होते हैं उसका रिलेशन देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल की डिज़ाइन में प्री डिज़ाइंस हैं, कॉजाई डिज़ाइंस, ट्रू डिज़ाइन और स्टैटिस्टिकल डिज़ाइंस, ये एक्सपेरिमेंटल के सारे डिज़ाइंस हैं। ये देखिए डिज़ाइन जो है, रिसर्च डिज़ाइंस, आप टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस, कुछ और हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा क्लियर करके अगर नज़र आ जाए। ये देखो मैंने बात की थी ना कि सारी रिसर्च क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं होती, ये क्वांटिटेटिव भी होती है। डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं वो तो हमने देखे थे ना, मेन डिज़ाइंस हैं। अब ये देखो जो क्वालिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च दो टाइप्स बताई थी, असल में होते हैं तीन टाइप्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड स्टडी। अब यहाँ पे मिक्स मेथड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एनालिटिकल लिखा हुआ है और ये आगे लिखा हुआ है मिक्स मेथड। इन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हुई हैं, तो अब हम देखते हैं आगे इसको लेके चलते हैं। देखें क्वांटिटेटिव जो है ना, उसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल जो होती हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, कॉजल कंपैरेटिव, ये सारी की सारी रिसर्च की टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं रिसर्च की, और इसमें कुछ डिज़ाइन भी हैं। अब अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो क्या है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है, कॉसाई एक्सपेरिमेंट होता है, सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब आपके पास कोई एक ही बंदा होता है उस पर ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और जो क्वालिटेटिव होती है ना, क्वालिटेटिव ऐसी होती है कि इसमें आप सर्वे करेंगे लेकिन उसमें आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, आप इंटरव्यू ज़्यादातर करते हैं, या कोई ऑलरेडी कोई चीज़ मौजूद होती है, कंटेंट ऑलरेडी मौजूद होता है, उसको आप स्टडी करते हैं, फिर अपना व्यू केस स्टडीज में आ जाती है। ये फिनोमिनोलॉजी, ये भी इसकी टाइप है रिसर्च की ना, क्वालिटेटिव के अंडर आती है। एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी फिनोमिनोलॉजी होती है कि जो लोग एक जगह पर रह रहे होते हैं ना, तो उन्हीं के लिविंग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन चीज़ों को चेक करना। अब ये बहुत डिटेल अगर आपकी बुक में होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इस बात को, लेकिन आपके लेवल पर सिर्फ इतने ही, आप नाम ही याद कर लो काफ़ी हैं, क्योंकि अभी इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। एथनोग्राफी मतलब किसी कल्चरल जो होते हैं कि कल्चरल जो होता है ना सेटिंग, वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, उन चीज़ों को। ग्राउंडेड थ्योरी है, जब थ्योरी डेवलप करनी होती है ये उसिस में आते हैं कि कोई थ्योरी डेवलप करना चाह रहे होते हैं ना, पहले से किसी चीज़ के बारे में थ्योरी नहीं है और आप रिसर्च करके कोई न्यू थ्योरी बनाना चाहते हैं, तो तब ये वाली हम डिज़ाइन लेते हैं, ये वाली स्टडी करते हैं। ओके जी, फिर इसके बाद जैसे एनालिटिकल स्टडी होती है, उसमें हम एनालिसिस करते हैं, कॉन्सेप्ट एनालिसिस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है। हिस्टोरिकल मतलब जो पहले से कोई अब वो हुई हुई है स्टडीज़, उसको हम, या कोई रिसर्च पेपर्स हैं या कोई बुक्स पढ़ी हुई हैं उसके हवाले से हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ इसमें ये बात, एनालिसिस का पता है ना आपको, किस चीज़ को एनालाइज करना, उसे गुड एंड बैड जो पॉइंट्स हैं उसको सामने रखना और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या अच्छा होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या बुरा है, उसको ठीक कैसे करना है, तो ये आपके एनालिसिस में ना इस तरह की बातें आती हैं। मिक्स मेथड स्टडी ये होती है कि उसमें ना आप क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव को दोनों को मिक्स कर देते हैं मिक्स मेथड स्टडी में। मज़ीद डिटेल हम इसकी अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत 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 लंबा जो है हमारा रिसर्च का जो टॉपिक होता है ना, बहुत लेंथ में चले जाते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे जितना आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। अब देखो एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हमें डिस्कस की, लेकिन एक्शन रिसर्च है वैसे देखने में इसके मीनिंग से माइंड में क्या आ रहा है कि व्हाट इज एक्शन रिसर्च। अच्छा ये जो देखो आपके जो एक्शन रिसर्च के हम क्या पॉइंट पढ़े हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, इसका एम्फोसिस टीचर्स पे होगा। काउंसलर अगर हम लेंगे, हम किसी और फील्ड के काउंसलर्स की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशनल फील्ड में जो काउंसलर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से रेलेवेंट जो कोई भी इश्यूज़ हैं उनको जब रिसर्च करेंगे उनके बारे में, तो ये उसके अंडर आते हैं। सो ब्रिंग्स टुगेदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है कि जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी कर रहे हैं और उसके बाद कि बेसिकली हो क्या रहा है सिस्टम में, उस चीज़ों को चेक करने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं एजुकेशन में, वो एक्शन रिसर्च के उसमें आती है, उसका नाम एजुकेशन रिसर्च है। अब रिसर्च को हम जो बेसिकली जो रिसर्च है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है रिसर्च बाय पर्पस, बाय पर्पस के किसी मकसद के तहत रिसर्च करें, लेकिन दूसरी टाइप जो है वो रिसर्च बाय मेथड है। अब बाय पर्पस में कौन कौन सी फाइव कैटेगरीज हैं, बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, ये सारी ना टाइप्स हैं रिसर्च की जो रिसर्च बाय पर्पस है। और ये बहुत जैसे आप लोगों में से अगर किसी ने मास्टर्स, जो भी बच्चे मास्टर्स किए हैं, जिन्होंने जब वो एग्ज़ाम्स देते हैं बीपीएससी वगैरह के, तो वहाँ पर मोस्टली ये क्वेश्चन जो हैं वो उसमें आए होते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि ये नाम लिखे होते हैं और पूछा जाता है कि किस कैटेगरी के अंदर आती है, रिसर्च बाय पर्पस है या रिसर्च बाय मेथड है, बेसिक है, अप्लाइड है, वैल्यूएशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक्शन रिसर्च, पांच इसके फर्दर कैटेगरीज हैं। रिसर्च बाय मेथड्स, अब जो नहीं नहीं एक मैं आपको ये बताती हूँ, एक मिनट ठहरते हैं ज़रा, अच्छा जी ये देखें जो मेथड के हवाले से ना उसमें आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव भी आ जाती है, क्वालिटेटिव अगर देखेंगे तो ये क्या होगा कि सर्वे है, कॉजल कंपैरेटिव है, ये फर्दर इसके डिज़ाइन हैं सबके ना, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च होगी तो उसमें केस स्टडी है, एथनोग्राफी है, फिनोमिनोलॉजी है, ग्राउंड थ्योरी है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होंगे, कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन। और जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ना वो क्वालिटेटिव ही होती है, उसमें आप लीगल रिसर्च कर सकते हैं, मीन्स के लॉ, डिफरेंट लॉज जो होते हैं उसको चेक कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी रिसर्च आर द पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। बिब्लियोग्राफी रिसर्च मतलब जैसे कुछ लोगों ने वो कर दिया होता है ना अपनी, अच्छा जी बिब्लियोग्राफी होती है, बायोग्राफी रिसर्च होगी वो आती है हिस्टोग्राफी में, हिस्टोरिक में। खासे यहाँ पर स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, ये बायोग्राफी जो रिसर्च है ना ये उसमें आएगी कि वो जो किसी लोगों ने अपनी बायोग्राफी लिख ली होती है ना, उस हवाले से कि उनको हम स्टडी करते हैं, उनकी तमाम जो लाइफ के इवेंट्स हैं उसको। अच्छा बिब्लियोग्राफी और साइटेशन में क्या डिफरेंस है, देखो बिब्लियोग्राफी और साइटेशन तो ये होती है ना कि जब आप रनिंग रेफरेंस दे रहे होते हैं, लिखते हुए आपने सेंटेंस लिखा और लिखने के साथ साथ आपने, आप लिखते जा रहे हैं और लिखते ही आपने उसके अंदर उसको साइट कर दिया कि मेरा रेफरेंस ये है। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हम लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है एग्जैक्ट वो रेफरेंसेस जो आपने अपनी स्टडी में कोट किए हैं, जहाँ से आपने मटीरियल लिया है। और बिब्लियोग्राफी अगर आप लिख देते हो तो उसका मतलब है वो तमाम सोर्सेस, वो तमाम जितने भी लिंक्स थे, वो तमाम चीज़ें जहाँ से आपने पढ़ा ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने उन सब में से मटेरियल भी लिया हो, तो तब बिब्लियोग्राफी होती है। और अगर रेफरेंस हैं तो सिर्फ वही जो आपने लिए हैं, साइटेशन जो आप रनिंग लिखते लिखते आपको लगता है ये पॉइंट वहाँ से लिया और जो बात आपने जहाँ से की साथ ही उसका रेफरेंस दे देते हैं। फोर फंक्शंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च के फोर फंक्शन है, बेसिक रिसर्च, डिज़ाइन टू टेस्ट और डिफाइन थ्योरी। ये एक आपका जो बात थी ना कि बेसिक रिसर्च की, तो बेसिक रिसर्च हम किस लिए करते हैं कि टेस्ट करते हैं और रिफाइन करते हैं थ्योरी को। ऑलरेडी थ्योरी मौजूद होती है हमारे पास,
और उस तेल को हम रिफाइन कर रहे होते हैं और उसे बेहतर बना रहे होते हैं कि अच्छा ये इस तरह से है, तो उसको मज़ीद इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, किसी चीज़ को फर्निश करना जो होता है ना वो कर रहे होते हैं। फिर अप्लाइड रिसर्च होती है ना, अप्लाइड रिसर्च कंडक्टेड इन अ फील्ड ऑफ कॉमन प्रैक्टिस एंड कंसर्न विद एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च बेस्ड नॉलेज। जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता है उसकी एप्लीकेशन के हवाले से हम इसमें जो है ना अप्लाइड रिसर्च यूज़ करते हैं, मीन्स की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। एक्शन, एक्शन रिसर्च क्या होगी? स्पेसिफिक क्लासरूम और स्कूल प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया था कि ये टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर जो किसी भी क्लासरूम स्कूल के हवाले से होते हैं तो वहाँ पे ये रिसर्च की जाती है। इम्प्रूव करती है प्रैक्टिस को। मेक अ डिसीजन एट अ सिंगल लोकल साइट। सिंगल लोकल साइट मतलब आपके किसी एक सेटिंग में, जहाँ आप स्कूल में हैं, किसी कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी पे, वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्लासरूम इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। देन इवेल्यूएशन है, एवेल्यूएशन रिसर्च का नाम है। ये डिज़ाइन प्रोसेस द मेरिट एंड वर्थ ऑफ अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑपरेटिंग एट अ साइट। अब हम इसमें एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि कोई काम हो रहा है तो वो किस हद तक बेहतरीन हो रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। एवेल्यूएशन यही होती है ना, कितना अच्छा, हाउ वेल, कितना अच्छा हो रहा है काम। एवेल्यूएशन के हवाले से ये बात होती है। अच्छा, डेटा, व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा के हवाले से बात कर रहे थे हम। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो अब आपको पास ये डेटा होता है क्या, ठीक है? किसी भी इंफॉर्मेशन जब हमें लेनी होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, दैट्स कॉल्ड अ स्टेट। अब प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है। सो प्राइमरी डेटा के हवाले से अगर बात की जाए तो वो क्या होगा कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइमरी डेटा ये होता है कि वो बंदा, अगर आपने किसी एक्चुअल उस पर्सन से कि कोई उसने किसी ने एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को, ठीक है, तो उस इंसान से आपने डाटा लिया, ठीक है। अगर किसी बंदे ने कोई बुक लिखी है, अब बुक लिख ली आपने और बुक लिखने के बाद उसी बुक जो एक्चुअल में फर्स्ट उसका ड्राफ्ट था जिस इंसान ने वो लिखी है उससे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो वो होता है फर्स्ट हैंड नॉलेज, वो प्राइमरी डाटा होता है। लेकिन अगर किसी ने कोई बात सुनी भी है आप उनसे, उनके मतलब कहते हैं ना फलां बंदा भी जानता है, उसको भी पता है, उसको भी पता है, तो मुख्तलिफ लोगों से जब उसकी राय लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं उसके बारे में, आर्टिकल्स आ जाते हैं। हाँ, प्राइमरी डाटा मीन फर्स्ट हैंड नॉलेज, एग्जैक्ट उसी पर्सन से लेना। और सेकेंडरी होता है कि कोई इंसान उसको जानता है, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कायदेजम के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो कायदेजम खुद तो मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो दूसरे लोगों से बात करेंगे ना, पूछेंगे उस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो वो सारा सेकेंडरी डाटा है। लेकिन अगर वो खुद मौजूद होते तो हम उनसे जब पूछते तो इट्स मीन कि दैट्स प्राइमरी डाटा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इसका। अच्छा, यह क्वेश्चन आया कि जी थ्रू आर्टिकल्स जर्नल्स डेटा इसे कैंडिडेट है। यस, आप देखें ना आर्टिकल्स वगैरह में तो उन्होंने मुक्त जगह से रिसर्च करके उन्होंने लिखा है, तो वो सेकेंडरी डेटा में ही आता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स हु आर द फोकस ऑफ द रिसर्च। अब आप देखें कि ये जो पॉपुलेशन है ना, ये वो लोग होते हैं जिन पर आपको रिसर्च करनी होती है। आपने रिसर्च करनी है, आप चाह रहे हैं मैं प्राइमरी लेवल पर रिसर्च करूँगी, तो जितनी प्राइमरी लेवल आप जितने डिस्ट्रिक्ट्स का चाह रहे हैं, जितने सिटीज़ का चाह रहे हैं, तो वो आपका बन जाता है ये पॉपुलेशन। क्या अभी पॉपुलेशन ये है प्राइमरी लेवल आपकी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी लेवल के लाहौर में, वो आपकी पॉपुलेशन है जहाँ आपने रिसर्च करना है उन लोगों पर। अब पॉपुलेशन होती है दो तरह की, एक होती है टारगेट पॉपुलेशन, लाहौर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आप ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, कितने होते हैं डिस्ट्रिक्ट वैसे, बहुत सारे होते हैं ना, तो उसमें से अगर आप 10 ले रहे हैं तो आपने 10 फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट पॉपुलेशन है कि मेरी टारगेट पॉपुलेशन 10 है। लेकिन दूसरी होती है असेसिबल, उसमें से आपने कुछ को ले लिया कि 10 में से 8 ले लिए, 7 ले लिए, तो जहाँ तक आपकी रसाई थी आप पहुँच सकते थे,
आप आसानी से डेटा ले सकते थे और आप उसको, वो आपकी एक्सेसिबल हो जाती है। ओवरऑल अगर आप पूरे पंजाब को ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कहा आपने कि मेरी टारगेट पॉपुलेशन की पंजाब है, लेकिन आपने स्टडी कर ली कि जो मैं इसको जनरलाइज कर देती हूँ, एक्सेसिबल पॉपुलेशन लाहौर की रख लेती हूँ कि सिर्फ लाहौर में, मैं मुख्तलिफ जगहों से जो है थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लूँगी, तो वो आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो जाती है। द टारगेट पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द थ्रेटिकल पॉपुलेशन, इसको थ्रेटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं। And refers to the entire groups of individuals or objects to which a researcher is interested to generalize the conclusions. जहाँ पर उसने अपने रिजल्ट को कंक्लूड करना होता है और जनरलाइज करना होता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन यूजली हैज वेरिंग डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और असेसिबल पॉपुलेशन वो होती है एज अ स्टडी पॉपुलेशन जिस पर आप स्टडी कर रहे होते हैं, ऑफ टू विच रिसर्चर कैन अप्लाई द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। एक तो टारगेट हो गई असेसिबल की, जहाँ तक आपकी रसाई है आप उसको कहते हैं चलिए लाहौर तक हम इसको कर देते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो स्टूडेंट्स बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको लेक्चर की समझ आ रही है? मोहम्मद अकबर, पॉपुलेशन के बारे में मैंने बताया, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, इज इट क्लियर टू यू? बताएं। चलिए जी, लेट्स मूव द बिग पिक्चर। अब ये देखो, पॉपुलेशन हमने कहा था कि हम कंसीडर करते हैं कि हम किस जगह पे, तो हम अपनी पॉपुलेशन मतलब किन लोगों पे अपने स्टडी के रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे, ठीक है? अब उसमें से हम निकालते हैं कुछ लोग। ओवरऑल से पूरा लाहौर है, उसमें तकरीबन हमने पूरे लाहौर में से सारे सिटीज़ ले लिए। अब उस सिटीज़ में से मैं 10 नहीं, सिटी तो एक ही है ये, सॉरी वो जो डिस्ट्रिक्ट ले रहे थे हम, सॉरी, तो हम 10 डिस्ट्रिक्ट की बात की कि हमने पूरे लाहौर में जितने भी थे उसमें से हमने सैम्पलिंग की और हमने 10 को सिलेक्ट किया। तो वो हमारा होगा सैम्पल जिस पे हम करेंगे रिसर्च, जिन लोगों से हम डेटा लेंगे, और उस डेटा के जो रिजल्ट्स होंगे ना, जो स्टेटिस्टिकल इंफेरेंस होगी उसकी, मतलब इसके रिजल्ट इसकी बेस पे जो रिज़ल्ट आएंगे 10 की बेस पे, उन 10 के रिजल्ट को हम 50 पे अप्लाई कर देंगे। ये है कि पॉपुलेशन, देन सैम्पलिंग, सैम्पल के बाद आप सैम्पल और स्टैटिस्टिकली इन्फेरेंस में आप उसको उस पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दोगे रिजल्ट्स को कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, जबकि आपने स्टडी की होती है 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे, लेकिन आप 50 पे अप्लाई कर देते हैं वो पॉपुलेशन पूरी आपकी जो पॉपुलेशन थी। क्लियर होगी बात? चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। हमने पिछली स्लाइड में बात की स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की, मतलब कि जो रिजल्ट्स थे सैंपल पे हमने स्टडी की, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ये देखो क्वेश्चन कौन सा आ रहा है इसमें, और इसके बाद फिर क्या कि आपने उसको अप्लाई कर दिया। अब स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की बात आ रही है, हम बात करें नेक्स्ट ये वाले, इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन। मैंने आपसे कहा था कि रिजल्ट्स को हम अप्लाई करते हैं अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन पे, तो उसमें क्या होगा कि अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन इन अ सैंपल। अब हमारी जो सैंपल था, हमने 10 अपने डिस्ट्रिक्ट लिए थे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेस पे हमने जो रिजल्ट्स बनाए, अब वो रिजल्ट्स तो बन गए। अब रिजल्ट्स बनने के बाद क्या होगा कि उन तमाम को हमने क्या किया, ओवरऑल पॉपुलेशन पे उसे अप्लाई किया, तो दैट्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर, अब दो बातें, पैरामीटर क्या होता है, नंबर है दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन, कि हम किन पैरामीटर्स पे अपनी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैंने उसमें से मेल लिए फीमेल लिए, या फिर मैंने सिर्फ फीमेल ली हैं या सिर्फ मेल ली हैं, तो मैंने एक पैरामीटर सेट कर लिया कि मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लेने हैं या मैंने सिर्फ फीमेल लेनी है, इस तरह से मतलब ये पैरामीटर सेट करते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब है कि डैट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम डेटा इन अ सैंपल। आप स्टैट्स अप्लाई करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में जितना डाटा आपके पास आया होता है उसको एक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, बेसिकली रिसर्च में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ना वो होते हैं डिफरेंट हैंड होते हैं, तो उनके थ्रू जो डाटा हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं ना, तो दैट्स अ नंबर दैट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम डेटा इन अ सैंपल। वो एक नंबर आपके सामने आता है, वो स्टैट सप्लाई होती है, उसमें मतलब स्टैट सप्लाई करते हैं। सो वी यूजली हैव अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स
एंड वॉन्ट टू यूज़ इट टू मेक इन्फेरेंसेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स. तो फिर हम जो स्टैट्स अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स देते हैं ना, उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी पॉपुलेशन पे. ये देखो इसकी पिक्चर देखेंगे, ये पॉपुलेशन है. पैरामीटर्स वो जो मैंने हमने सोच लिया, माइंड में सेट कर लिया कि मेरी पॉपुलेशन में तमाम गवर्नमेंट स्कूल शामिल हैं और गवर्नमेंट स्कूल के तमाम फीमेल टीचर्स शामिल हैं, जहाँ जहाँ फीमेल टीचर्स हैं वो, या मैं सिर्फ हेड से डेटा लूँगी. फिर आपने सैम्पलिंग की, उस सैम्पलिंग में आपने उन हेड टीचर से आपने देखा कि मेरे पास 40 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो थे ना डिस्ट्रिक्ट, अब पता नहीं है कितने सही में, लेकिन एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको कह रहे हैं कि 40 थे, तो 40 में से मैंने 10 ले लिया. एक तो आपने वो किया, और 10 को अब 10 डिस्ट्रिक्ट में से जितने स्कूल थे उन स्कूल्स में से आपने हर हर स्कूल में से 10, अगर 10 टीचर हैं वहाँ तो 10 में से दो दो, हर में से 10 में से दो दो या तीन तीन आपने सेलेक्ट किए. तो वो एक अपना उसमें सैम्पल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं कि आपने उसमें से ले लिया कि मैंने इतना सैम्पल लिया, 2.5% लिया. टोटल टीचर अगर 1000 है तो आपने उसमें से 0.50% ले लिए, तो 500 वो बन जाएंगे. 1000 हो गए तो 500 का सैम्पल ले लोगे आप. ये इस तरह की होती हैं कैटेगरीज. फिर बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप अपने उन तमाम 1000 पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देंगे. अब आ गया सैम्पल, के सैम्पल क्या होता है. अ सैम्पल इज सिंपली अ सबसेट और सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. मतलब पूरी पॉपुलेशन में से हम एक छोटा, कहते ना 100 लोग हैं उसमें से 10 लोग हमने ले लिए हैं रिसर्च करने के लिए, तो जो 10 लोग लेंगे ना वो हमारा सैम्पल होता है, और जो 100 लोग हैं वो हमारी पॉपुलेशन है. तो सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सम इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एक्सेसिबल पॉपुलेशन इन अ वे दैट दीज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट होल एक्सेसिबल पॉपुलेशन. मतलब कि हमने वही जो पहले हम बात करते आ रहे हैं कि एक पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन है आपकी, एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, उसमें से आपने कुछ लोगों को ले लिया ताकि आप उन पर रिसर्च करके उन रिजल्ट्स को बाकी लोगों पर जनरलाइज कर सकें. ठीक है, तो उसको एक्सेसिबल पॉपुलेशन पर आप उसको जनरलाइज कर सको उन लोगों की बेस पे, तो वो हमारा सैंपल होता है. अब सैंपलिंग फ्रेम में लिस्ट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के हर मेंबर को आप लिस्ट कर लेंगे कि इतने टीचर्स हैं, अगर इतने टीचर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, वो आप लिस्ट कर दें सैंपलिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और फिर उसको पॉपुलेशन में सेट करते हैं कि इतने, अब इतने टोटल इतने थे, 1000 स्टूडेंट्स हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 टीचर्स हैं, तो इतना पहले सबकी बता दिया, उसके बाद आपने उसमें से सेलेक्ट कर लिया कि मैंने इसमें से 1000 में से 200 ले लिए, 2000 में से 400 ले लिए, तो टोटल सैंपल मेरा 600 का बन गया. और इसका जो प्लान होता है ना, इसकी दो बातें होती हैं कि एक आपके तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्लान होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्लान होते हैं. अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, अगर हमें नेक्स्ट मिल जाता है तो. ये देखो, ये फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं कि इसमें ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है. रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें हर इंसान को, मतलब अगर 10 स्कूल नहीं है ना, उस स्कूल में कितने, हम ये नहीं सिलेक्ट करेंगे कि हमने सिर्फ जो है ना इतनी एज के टीचर्स को लेना है, हम किसी भी टीचर को भी ले सकते हैं रिसर्च करने के लिए अपने, एज अ जो जिन पर हम रिसर्च अप्लाई करनी है ना वो. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसमें ना आगे वो बनाते हैं मज़ीद, जो बताते हैं ना क्या उसका नाम है, हाँ ये नमूना बंदी शहरी, मुझे नहीं पता, मैंने ये सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा हुआ है और इसलिए उर्दू के जो वर्ड्स होते हैं ना काफ़ी स्किल होते हैं, और मैं इसको नहीं बता सकती सही तरह से, मीनिंग आपको उर्दू में नहीं बता सकती इनके. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में आप उसको आगे कहते हैं ना एक चीज़ को मज़ीद स्ट्रेटिफाई कर लेना कि अगर टीचर्स हैं तो 10 टीचर्स हो गए डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसके बाद 10 आप उसमें से आगे मज़ीद उसके स्ट्रेटिफाई से करेंगे कि दो आपने साइंस से चलिए, दो आपने इंग्लिश से चलिए, दो आपने मैथ से चलिए, वो स्ट्रेटिफाइड कर दिया आपने उसको एक चीज, मतलब टीचर्स से मज़ीद उसके कैटेगरीज बना दी. क्लस्टर सैम्पलिंग भी है, इसमें आप ग्रुप के फॉर्म में लेते हैं. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये होती है कि उसमें कोई नंबर सेट कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट से अगर डाटा लेना है तो आप कहेंगे कि हर क्लास का मैंने रोल नंबर 4, 14 और 24 को लेना है. ठीक है, या मैं लूँगी जी हर इवन नंबर को ले लूँगी, दो रोल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से. ये होते सिस्टमेटिक कि आपने
सिस्टमेटिकली उसको देखा कि मैं इस चीज़ को लेके चल रही हूँ। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है उसमें ये होता है कि एक तो आपका जो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है कि जो इजीली अवेलेबल हो उसी को आप ले लेते हैं, और कोटा सैम्पलिंग भी ऐसी होती है कि एक तरफ से आपको ना मतलब अपने पर्पज़ से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है ना, कि मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ से ना ये इतने लोग अवेलेबल हैं इनसे मुझे डाटा मिल सकता है या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो क्वालिटेटिव में क्या होता है पर्पज़फुल सैम्पलिंग कन्वीनियंट सैम्पलिंग जैसी ही होती है कि जहाँ हमें लगता है कि ये हमारी बात का जवाब दे सकेंगे या हमें इनसे इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग ये होती है कि जैसे एक बंदे से हमें इन्फॉर्मेशन ली है ना, पूछ लिया, और उसी इंसान से हमने पूछा कि अब आप बताएं कि और मज़ीद कौन सा इंसान हमें इस बारे में बता सकता है, फिर वो कहते हैं हाँ फलां टीचर को पता है, उसको भी बहुत नॉलेज है, उससे पूछ लें, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, तो हम फिर उस तक पहुँच जाते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। और थोरेटिकल सैम्पलिंग ये होती है कि आप अपनी जो एनालाइज करते हैं और उसके बाद साथ साथ आपको लगता है कि अब मुझे खुद मतलब कि इतना मेरा रिसर्च के रिज़ल्ट आ गए हैं तो मज़ीद मुझे कहाँ से लोगों को जो ना लेना पड़ेगा, कितने लोगों से लेना पड़ेगा, किस किस से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में आता है। आगे कन्वीनियंट सैम्पलिंग आ गई। ये टाइप्स हैं सैम्पलिंग की ना, कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरफ आते हैं, इसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, और ये एक वीक अप्रोच है। ये वीक अप्रोच है टू सैम्पलिंग बिकॉज इट्स हार्ड टू कंट्रोल फॉर बायस। अब एक्सीडेंटल मतलब हम कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से ना हम बहुत से लोगों से डाटा लेने की कोशिश करते हैं कि चलो इसी से ले लेते हैं, दूर कहाँ जाएंगे, तो तब ये होता है कि इसमें बायस्ड हो सकते हैं हम, हमारी अपनी राय शामिल हो जाती है बार दफ़ा ना, ऐसा होता है, तो इसलिए इसको नहीं हम कहते हैं कि वीक अप्रोच है, ये सैम्पलिंग के लिए बेहतर नहीं समझा जाता इसको। इसमें ना कि जो भी लोग अवेलेबल हैं और जो आपको मर गए कि हाँ भी हमसे डाटा ले लो हम आपको बता देंगे, तो उस हवाले से फिर ना ये रिप्रेजेंटेटिवनेस इज़ अ कंसर्न। ये कि ये ना वीक पॉइंट हम उसको समझते हैं, इतने आसान नहीं समझते। कोटा सैम्पलिंग यूज कन्वीनियंट सैम्पलिंग बट विद अ स्ट्रेटजी टू इंश्योर क्लीन ऑफ सब्जेक्ट टाइप हु आर लाइकली टू बी अनरिप्रेजेंटेड इन द कन्वीनियंट सैम्पल। कन्वीनियंट सैम्पलिंग वही उसकी तरह से ही होती है, जो लोग अवेलेबल हैं, जैसे कि इतने लोग हैं, 10 लोग हैं मौजूद जो उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 10 लोगों का कोटा है, हमने इसी से जो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ले लेनी है। सो इसमें गोल इज़ टू रेप्लिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ सब ग्रुप्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, और बेहतर होती है, थोड़ी बेहतर होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग से। उसको तो वीक अप्रोच कहा गया ना ये, लेकिन ये थोड़ी बेहतर होती है। अब जो पर्पजिव सैम्पलिंग है ना उसको जजमेंटल भी कहते हैं, सेलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इसमें एफर्ट की जाती है टू इंक्लूड टिपिकल और अटिपिकल सब्जेक्ट्स, और ये किस चीज़ पर बेस करती है, रिसर्चर्स की जजमेंट पर बेस करती है। मतलब अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर पर मैंने स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि ऐसे बच्चे जो बदतमीज़ हैं, ये देखूँगी ना, मेरा पर्पज़ ये होगा कि बदतमीज़ बच्चों को मैं देखना, तो क्लास में मैं पूछूँगी यहाँ पे बदतमीज़ बच्चे कौन से हैं जो ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं या दूसरे बच्चों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, तो ये होगी पर्पज़फुली मैं उन चीज़ों को सेट कर रही हूँगी कि हाँ इससे चलो मैं ले लेती हूँ, ये बदतमीज़ सा इससे ज़रा पूछ के देखती हूँ ये क्या बताता है। तो ये होती है पर्पज़फुल सैम्पलिंग। नेटवर्किंग सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जिसमें मैंने आपको बताया हम एक ही पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के बारे में पूछते हैं टू ज्वाइन द सैम्पल एंड सो ऑन, कि वो हमें आए और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसी तरह से जो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है वो ग्राउंडेड थ्योरी में यूज़ होती है, इसमें डेटा आर गैदर फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और ग्रुप दैट कैन प्रोवाइड रेलिवेंट डेटा फॉर थ्योरी जनरेशन, जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, और अगर आपने डेटा लिया, उसको अंडरस्टैंड किया, सॉरी उसे एनालाइज किया, और उसके बाद आपने देखा कि अब इसमें लैकिंग कहाँ पर है, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो मैं क्या किस तरह से इसमें चेंज कर सकता हूँ, या अपने सैम्पल को चेंज करूँ या किसी और लोगों से डाटा लूँ। ये कि डाइवर्सिटी इन द सैम्पल इज़ इनकरेज, इसमें क्या देखते हैं ना मुख्तलिफ लोगों से सैम्पल लेते हैं, मुख्तलिफ होना चाहिए सैम्पल। आगे आ रहा है पॉइंट हाइपोथेसिस के हवाले से। हाइपोथेसिस क्या होता है, तो वो होता है कि स्पेसिफिकली हम गेस कर रहे होते हैं
प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं पहले से सेट कर लेना कि हाँ हमारा, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो बदतमीज़ी होते हैं, या वो ऐसे टीचर जो यंग टीचर्स समटाइम, अगर ऐसे उनकी बहुत छोटी एज के अगर टीचर्स आ जाएँ तो बच्चे उनको, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा निकलते बदतमीज़ियाँ करते हैं। हम कहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है। फिर हम रिसर्च करते हैं, पता चलता है कि नहीं सब ऐसे नहीं होते, तो हमारा हाइपोथेसिस फेल हो जाता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये है कैटेगरी कि हम पहले से रिजल्ट्स जो है ना वो एज्यूम कर लेते हैं। अब इसके जो टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की, नल हाइपोथेसिस है इसमें, इसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल क्या होता है कि हम हर चीज़ को कहते हैं ना ज़ीरो कंसिडर करते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा, और ऑल्टरनेट में होता है कि हम डायरेक्शनली कोई उसका यूज़ करते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरफ चले जाते हैं, पॉजिटिव वे में इसको लेते हैं। ये देखें इस पिक्चर को, देखें ज़रा गौर से और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या इसमें समझ आ रहा है। ये प्रिंसिपल है ठीक, और ये जो बाकी सारे हैं लोग ये बात कर रहे हैं और इस चीज़ के बारे में, फ्रॉम अ सिंगल रिसर्च क्वेश्चन। अब प्रिंसिपल ने ये क्वेश्चन किया कि वाई हैव द टेस्ट स्कोर्स ऑफ आर सीनियर बीन गोइंग डाउन। ठीक है, उनकी तरफ से क्या क्वेश्चन था कि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट दिन ब दिन डाउन क्यों हो रहा है। अब ये बाकी सब लोग अपने अपनी अजम्पशंस दे रहे हैं कि ये वजह हो सकती है, इसको ज़रा पढ़ लें फिर मैं आपसे बात करती हूँ आगे। मतलब हर कोई अपना अपना डिफरेंट व्यू दे रहा है, किसने कहा कि बहुत टीवी देखते हैं, किसने कहा बच्चे केयर नहीं करते आजकल, और किसी ने कहा कि दे डोंट बिलीव दैट स्कूलिंग विल पे ऑफ फॉर देम। उन्होंने कहा कि वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि स्कूल की वजह से उनको कोई बेनिफिट भी मिलेगा। ये तो इस वजह से हर इंसान का ना ये देखें डिफरेंट, उन्होंने हर किसी ने अपना अपना व्यू दिया, तो ये सारी की सारी अजम्पशंस थी, तो उसे हम कहेंगे हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन के उसमें ये उन्होंने डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपनी अजम्पशंस बता दी। ओके जी, दिस वॉज चैप्टर नंबर 2, सो दैट्स डन।